volume and surface area of class 9th NCERT. Introduction की videos मैं आपको दे चुकी हूँ. First two examples हम लोग कर चुके हैं and आज हम लोग start करने वाले हैं exercise 13.1. Alright, 13.1 volume surface area class 9th NCERT first question. Alright, a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. देखो क्यूब ऐसा कभी नहीं लिखा आएगा कि क्यूबॉइडल बॉक्स और क्यूबिकल बॉक्स आ भी सकता है बट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ. जैसे तो डायमेंशन से पता चल जाता है कि वो क्यूबॉइड है या क्यूब है. तीन लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग चीजें दे रखी हैं तो दैट मींस क्वाइट ऑब्वियस इट इज अ क्यूबॉइड राइट. आगे इट इज टू बी मेड अब इट इज टू बी ओपन एट द टॉप. इसका क्या मतलब है कि जो बॉक्स है उसकी लिड यानी कवर नहीं है. मैंने जब क्यूबॉइड और क्यूब का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको पूरा का पूरा मतलब सब कुछ समझाया था कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का. टोटल सरफेस एरिया में भी बहुत सारी चीजें थी लाइक टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता क्या है. वैसे वो होता है 2 × LB + BH + LH राइट. इसका मतलब क्या है और ये टोटल सरफेस एरिया है और कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 × L + B × H. यानी अगर मैं इसको खोलूं तो हो जाएगा 2LH + 2BH. ऑलराइट हमारा क्यूबॉइड कैसा है ऐसा. दिस इज अ क्यूबॉइड ठीक है. अब ये होता है टॉप, ये होता है बॉटम, ये होते हैं साइड फेसेस और एक फ्रंट होता है और एक बैक साइड होती है ठीक है. This is L and this is B. ठीक है. टॉप और बॉटम जो है वो उसमें क्या यूज होता है L into B. यानी ये जो दो बार L B यूज हुआ है ये एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए. मैं यहां लिख रही हूं एक टॉप के लिए है और एक बॉटम के लिए ठीक है. बी एच जो है यानी B और H ये है साइड फेसेस. ये होता है साइड फेसेस के लिए यूज. दो साइड फेसेस होते हैं इसलिए टू बाहर है, टू साइड फेसेस. एनएच किसके लिए यूज होता है फ्रंट एंड बैक. ये देखो ये फ्रंट है मेरा है ना एल और एच तो ये यूज होता है फ्रंट एंड बैक. अब कर्व्ड और टोटल में ये डिफरेंस है कि कर्व्ड में टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता. यानी ये जो एल बी दो बार आ रहा है वो यहां पर है नहीं, बाकी जो दो चीजें हैं वो यहां पर है. तो कर्व और टोटल में ये डिफरेंस हो गया कि इसमें टॉप और बॉटम नहीं है, इसमें टॉप और बॉटम है. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. अब यहां पर ये है कि पूरा का पूरा बॉक्स है बट इट इज टू बी ओपन एट द टॉप. सिर्फ ओपन और एट द टॉप बेस तो है ना उसका, सिर्फ टॉप नहीं है तो कर्व तो नहीं यूज हो सकता. ऑलराइट ये तो नहीं होगा. ये होगा लेकिन इसमें टॉप नहीं है तो टॉप नहीं है लेकिन बॉटम है. तो ये जो 2 × LB यूज हुआ है इसमें LB जो होगा एक बार यूज होगा ठीक है. ये बात समझानी थी मुझे. जो LB है वो एक ही बार यूज होगा देखो और जो BH यानी साइड फेसेस है वो तो दोनों बार यूज होंगे ही. दो साइड फेसेस हैं और जो फ्रंट एंड बैक है वो भी है तो वो भी 2 times यूज होगा. ऑलराइट अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमको क्या निकालना है. इट इज टू बी ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. हमें शीट लगानी है बॉक्स के ऊपर प्लास्टिक शीट. तो वो शीट जो है हम कितनी लाएं मतलब एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. शीट कितनी रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग दैट बॉक्स. जितना बॉक्स पर वो एरिया होगा उतनी शीट रिक्वायर्ड होगी ऑब्वियसली. अब बॉक्स का एरिया निकालना है तो ऊपर यानी कवर नहीं है तो इसलिए जो मैं एरिया यूज करने वाली हूं वो क्या होगा. देखो इधर एरिया ऑफ द बॉक्स विल बी इक्वल टू LB एक LB दो बार BH दो बार LH. इसीलिए मैंने ये इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई आपको कि LB एक बार क्यों. ना तो ये कर्व सरफेस एरिया ना ही ये एग्जैक्टली टोटल सरफेस एरिया है. टोटल सरफेस एरिया में से मैंने यहां से 2 हटा दिया है और क्यों हटाया क्योंकि टॉप नहीं. ओके बेसिकली मैं यही समझाना चाह रही थी आपको ठीक है. अब एल क्या है मेरा 1.5 मीटर, बी क्या है मेरा 1.25 + 2 × बी क्या है 1.25
एच क्या है 65 सेंटीमीटर एंड दीज वर इन मीटर्स तो 65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 65 अपॉन 100 मीटर्स यानी 0.65 मीटर्स ऑलराइट तो मैंने यहां पर लिख दिया 0.65 प्लस 2 इनटू एल क्या है मेरा 1.5 इनटू एच क्या है मेरा फिर से यही 0.65 ठीक है बच्चों अब 1.5 इनटू 1.25 इज व्हाट कर लेते हैं मल्टीप्लाई 1.875 प्लस 2 इनटू 2 ये आ गया मेरा 2.50 इनटू इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 2.50 इनटू 0.65 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा इनटू 0.65 ऑलराइट 1.875 प्लस इन दोनों को करते हैं हम अब 0.65 इनटू 2.5 ये आ गया मेरा 1.625 प्लस 1.95 ठीक है अब हमें इन तीनों को ऐड करना है 1.875 को 1.625 को एंड 1.95 को ये आ जाएगा मेरा 5.45 मीटर स्क्वायर ठीक है तो ये 5.45 मीटर स्क्वायर मेरा आया एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया सेकंड पार्ट का आंसर कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20 यानी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज इक्वल टू ₹20 Again, the unitary method as we did in first question, as we did in last example. Cost of 1 meter square of sheet is ₹20. Therefore, cost of 5.45 meter square of sheet will be equal to ₹5.45 into 20. That means 109 rupees answer. Alright, so guys, we now move on to second question, which is very easy. Dhyan se samjho, the length, breadth and height of a room, that means cuboid room hai, 5 meter, 4 meter, 3 meter, ek series mein diye hote, ek sequence mein diye hote, pehle length hoti hai hamesha, phir breadth hoti hai, phir height hoti hai, theek hai? Find the cost of whitewashing the walls of the room. देखो मैंने आपको जो कर्व सरफेस एरिया बताया था मैंने आपको क्यूबॉइड के इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो बताई थी समझाई थी उसमें मैंने आपको अलग कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स तीनों चीजें एक ही होती है व्हिच इज 2 इनटू l प्लस b इनटू h 2 इनटू l प्लस b इनटू h यानी इसमें हमारा टॉप यानी सीलिंग एंड बेस यानी फ्लोर इज नॉट इंक्लूडेड ठीक है ये सिर्फ एरिया ऑफ फोर वॉल्स है पढ़ते हैं हम क्या बोल रहे हैं वो हमें वॉल्स ऑफ द रूम को हमें पेंट करना है व्हाइट वॉश करना है एंड आल्सो सीलिंग यानी टॉप को भी व्हाइट वॉश करना है लेकिन ये जो कर्व सरफेस एरिया है यानी एरिया ऑफ फोर वॉल्स है इसमें हमारी सीलिंग इंक्लूडेड नहीं है दैट मींस हमें सीलिंग का एरिया एक इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें खुद से ठीक है क्या एरिया ऑफ सीलिंग क्या होता है सीलिंग क्या है L into B, है ना? जैसे बेस अगर लेना होता, वो भी L into B. तो L into B. तो total area required is equal to 2 into L plus B into H plus L into B. ठीक है? ये हो गया area of four walls और ये हो गया ceiling. अब हम कुछ करने के values क्या? और कुछ changes की भी जरूरत नहीं है units की क्योंकि everything is in meters. तो 2 into 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 अब 5 प्लस 4 क्या है 9 और 5 इंटू 4 क्या है 20 ठीक है 2 3 जा 6 6 9 जा 54 54 प्लस 20 विच इज 74 मीटर स्क्वायर सो दिस इज व्हाट द एरिया विच इज टू बी पेंटेड एंड नाउ हमें कॉस्ट दी गई है सिर्फ कॉस्ट से हमको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट of 1 meter square of area is equal to ₹7.50
Therefore, the cost of 74 meter square area is equal to 74 into 7.50. करके देखते हैं हम. 74 into 7.5. 5 4s are 20, 02, 5 7s are 35, 36, 37. 7 4s are 28, 82, 7 7s are 49, 50, 51. 0, 5, 5, 5. और ये पॉइंट है तो यहाँ पर आ गया डेसिमल. तो दैट मीन्स हमारे कितने रुपीज आ गए? 555 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ बाई क्वेश्चन द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग. ओके गाइज, सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.1. एंड आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों. Okay, till then keep practicing and please do subscribe my channel and keep writing in comment section because your comments are so inspiring and motivating. Kyunki bahut acha lagta hai padhke. Okay, bye bye.